जय माता दी साथियों, आज मुझे आपको यह जानकारी देते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि मुझे नैमिषारण्य तीर्थ धाम जाने का अवसर मिला। सर्वप्रथम मैंने माता ललिता देवी जी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात मेरी मुलाकात बंगलौर से आए बाबा जी से हुई। उनके साथ कुछ लोग मुंबई, हैदराबाद व मैसूर से भी आए थे। उन्होंने माता जी के बारे में हमें बहुत ही रोचक जानकारी दी। भगवान की असीम कृपा से हम सब यहाँ पे श्री ललिता देवी के मंदिर में हैं, जो कि एक शक्तिपीठ माना जाता है। माता ललिता का, माता सती का यहाँ पे हृदय का निवास है और ये चक्र तीर्थ के पास में है, नैमिषारण्य धाम में है। नैमिषारण्य धाम और ललिता देवी का मंदिर आपस में जुड़ा हुआ है। यदि आप ललिता देवी का दर्शन नहीं करते हैं और केवल चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं या वहाँ का दर्शन करते हैं तो पूर्ण नहीं माना जाता है। और जितने भी तीर्थ है वो सारे तीर्थ श्री नैमिषारण्य धाम में वास करते हैं। आप सबसे निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई बंधु, अपने परिवार सहित यहाँ पे कृपा करके आए, माता ललिता देवी की कृपा प्राप्त करें। उनके हृदय से ही ये पूरा संसार, ये पूरा संसार आदि शक्ति है वे, तो उनकी कृपा से ही ये संसार टिका हुआ है। वे भुवनेश्वरी हैं, हम सबका पालन करती हैं और इस वजह से श्री चक्र तीर्थ में, श्री नैमिषारण्य धाम में हम सबको श्री भागवत पाठ सुनने को मिलता है। जो हम लोग यात्रा लेके आए हैं, ये बैंगलोर से काफी सारे भक्तगण आए हैं, कुछ लोग मुंबई से आए हैं डायरेक्टली, कुछ लोग हैदराबाद से आए हैं और हाँ, दो लोग मैसूर से भी हैं, तो उनको अच्छा, बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा या? Okay. और अगर आप साउथ इंडिया में आए, अगर दक्षिण भारत की तरफ आएंगे तो ललिता सहस्त्र नाम करके एक पाठ है जो कि ललिता देवी के ऊपर ही है, तो हमारी माताएं ये सबका जाप करेंगी जाते हुए। अच्छा। आप सबसे भी निवेदन है कि जब आप आए तो मैया ललिता का स्मरण करें, उनसे निवेदन करें कि वो आपको पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण भक्ति प्राप्त करवाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पश्चात मेरी मुलाकात मंदिर में पुजारी जी से हुई। उन्होंने इस तीर्थ धाम के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। और माता को लिंग धारणी नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर को स्वयं धारण किया है, मैया ने सृष्टि का संचारण किया है। ये जो है मैया जगत माता है और इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, इसीलिए इनको लिंग धारणी भी कहते हैं। प्रयागे ललते हैं निमिषे लिंग, ये प्रयाग जी में ललते हैं। एक ये ललिता देवी है जो जगत माता है। कुछ लोग कहते हैं, मतभेद है कि यहाँ पे अंग गिरा है, अंग नहीं गिरे हैं, हृदय में व्यास करने वाली ये ललिता देवी। हाँ, क्योंकि कहते हैं जब वो युद्ध हुआ था, माता सती का दहन हुआ था, तो यहाँ पे कोई अंग ना गिर गया। इन्होंने यहाँ पे, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, त्रिकुटा नाम का पर्वत है जहाँ पे ललिता माता सदैव से यहाँ पे बैठी थी, विराजी थी। त्रिकुटा का नाम का पर्वत है, यहाँ पे माता ने तपस्या की नैमिषारण्य, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मनोनीत चक्र गिरा है। चक्र गिरा जो पहले ऋषि मुनि हमारे तब तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो जो राक्षस था तो वो ऋषि मुनियों का यज्ञ पूर्ण नहीं होने को जी, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बड़ी निवेदन आज्ञा की जी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ ये हमारा चक्र जाएगा और जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ आप पवित्र स्थान मान लेना, वहीं आपका यज्ञ पूर्ण होगा। तो यहीं पे वो जो है चक्र जो है, अभी आप जाएंगे चक्र तीर्थ, तो गए नहीं है अभी, तो जहाँ आप जाएंगे वो चक्र तीर्थ कुंड है, उसको रोकने वाली माला है। अच्छा, हम लोगों ने कुछ सुना कि महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय, पृथ्वी को नापने के लिए भगवान ने चक्र फेंका था, वो नहीं है, ऐसी मानता है, ऐसी मानता है जो जितना जानता है वो उतनी जानकारी लोगों को दे पाता है। लेकिन वो जो आपने बताया वो, हाँ, ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। हाँ, और यहाँ पे ऐसा कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं। सत्यनारायण की कथा का जो प्रचलन है, जो सत्यनारायण का कथा का प्रचलन है, ये उद्गम स्थल है सत्यनारायण का। जब आप पहले ही सत्यनारायण का अध्याय आता है उसमें नैमिषारण्य का नाम, व्यास जी। तो हम लोग को बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों का जन्म जो है इस तीर्थ स्थान के आसपास है, और जो आसपास है 84 को क्षेत्र में जन्म रहते हैं, वो कण कण में देवी देवता निवास करते हैं, वो ऐसे अच्छे कर्म करते हैं पूर्व में जो है, तो आपकी 84 कोष की परिधि में आप लोग जन्म, हम लोग उसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, जो बड़ी सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, फिर भी हम लोग जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं उनको ही वृक्ष, नैमिषारण्य में वृक्ष दान का बहुत बड़ा, आप नैमिषारण्य में एक वृक्ष लगा सकते हैं अपने पूर्वजों के। जय माता। चलिए, धन्यवाद। जय माता। साथियों, नैमिषारण्य तीर्थधाम से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
शेयर करिए तथा कमेंट भी करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।